सर समझ में नहीं आ रहा है। What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू tradingfab.in। एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त लाइव मार्केट में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जा सकता है इसका एक पैटर्न देखेंगे। बेसिकली ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, ऑब्जर्वेशन है। अगर ऐसा फेज, अगर ऐसा पैटर्न चार्ट में अगर डेवलप होता है, क्रिएट होता है, तभी हमें बाय और सेल साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होती है। तो वो कैसे इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले ट्रेडिंग फैब के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट आप रिफर कर सकते हैं। हम जीरोदा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा, इन तीनों डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के ऑथोराइज पार्टनर है। अगर आप हमारे अंडर ये तीनों में से कोई एक अकाउंट भी ओपन करते हैं तो और भी बेनिफिट्स है, तो इसके लिए आप हमें यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है और ये जो डिटेल्स पूछे गए हैं यहाँ पर वो फिलअप करके सेंड करना है, तो तुरंत आपको इनके डीमैट अकाउंट से कॉल आ जाएगा और आगे की नेक्स्ट प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ कंडीशंस है। ये पैटर्न डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशंस मैच होना बहुत जरूरी है, तो वो कंडीशंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बाद में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पाइडर, उसमें हम ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे ताकि हमें लाइव मार्केट में क्विकली ये हमें रिजल्ट अवेलेबल करा सके। ठीक है, तो ये एक कंडीशन का पिक्चर है, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे कंडीशंस क्या है, कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो 5 मिनट का ये चार्ट होगा। 5 मिनट के चार्ट में हमें ये चार कंडीशंस हमें देखने हैं। सबसे पहले तो 100 EMA, 50 EMA और 20 EMA, ये जो मूविंग एवरेजेस है ये हमें प्लॉट करने हैं चार्ट में, और इसका सीक्वेंस 100, 50 और 20 ऐसा होना चाहिए, और प्राइस जो है वो इसके नीचे ट्रेड करनी बहुत जरूरी है। प्राइस इन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करना चाहिए और वो प्राइस लास्ट प्रीवियस 2 डेज का जो लो है वो भी ब्रेक होना बहुत जरूरी है। उसके नीचे ट्रेड अगर होता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी होगा इंट्राडे के लिए। इसके ही सिमिलर वाइस वर्सा बाय करने के लिए, अगर 20, 50, 100 अगर असेंडिंग ऑर्डर्स में है और उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है और लास्ट प्रीवियस 2 डेज का हाई अगर ब्रेक किया है तो हम बाय के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये कंडीशंस है, फर्स्ट तो 100 EMA, 50 EMA, 20 EMA ये सीक्वेंस में चाहिए। शॉर्ट जाते वक्त पहला 100 होगा, बाद में 50 और बाद में 20, और इसके नीचे प्राइस, और प्राइस भी प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके सेम उल्टा यानी वाइस वर्सा बाय करने के लिए सेम कंडीशन होगा, लेकिन इसमें उल्टा होगा, पहले प्राइस आएगा, बाद में 20 EMA, बाद में 50 EMA और बाद में 100 EMA। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखिए। चलते हैं अभी स्पाइडर के सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये स्पाइडर का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एक काफी अच्छा एक ऑप्शन है जिसका नाम है एक्शन रिप्ले। जैसे हम कोई टेलीविजन सीरियल का रिप्ले देखते हैं, रिपीट एपिसोड देखते हैं, उसी तरह से हम किसी दिन का ट्रेडिंग सेशन हम फिर से उसका एक्शन रिप्ले देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज का जो एक्शन रिप्ले है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। आज डेट है 11 जुलाई 2019, तो इसका मैंने एक्शन रिप्ले यहाँ पर सेट किया हुआ है। ये टेक्निकल क्वेरी, यहाँ पर टेक्निकल क्वेरी का ऑप्शन है, इसमें मैंने ये अपने जो कंडीशंस अभी हमने देखी यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। अभी सिर्फ हमें एक्चुअल मार्केट में अगर ये कंडीशंस रन करते हैं तो क्या बाय और सेल के रिजल्ट आते हैं ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ऑन कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं सस्पेंड का ये बटन ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आज का ये एक्शन रिप्ले 11, ये आज का तारीख 11 जुलाई, ये यहाँ पर एक्शन रिप्ले शुरू हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड का डेटा है ये हमें कल का, यानी यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, ये 10 जुलाई का डेटा हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले 5 मिनट जाने देते हैं क्योंकि जो प्री मार्केट सेशन होता है उसका सेटलमेंट होना बहुत जरूरी होता है, तो 5 मिनट्स वेट करते हैं। 5 मिनट्स के बाद हम ये जो क्वेरी यहाँ पर हमने बनाई है उसको रन करते हैं। ठीक है,
तो 5 मिनट्स वेट करते हैं। इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अभी 5 मिनट्स पहले 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ रिजल्ट हिस्टोरिकल में और एक ऑप्शन है रिफ्रेश सेकंड्स करके, 65 सेकंड्स को यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, ताकि जैसे ही एवरी 65 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्रेश कर देगा और हमें यहाँ पर नए रिजल्ट्स दिखाएगा। तो अभी मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इस चार्ट को, फिर से ये रन होना शुरू हो जाएगा। और अभी फर्स्ट रिजल्ट तो हमें यहाँ पर बजाज ऑटो का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं बजाज ऑटो का यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ चार्ट, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कंडीशन था 100 ईएम है, उसके बाद 50, उसके बाद 20 ईएम है, और इसके नीचे प्राइस, और इस प्राइस ने लास्ट 2 डेज का लो भी ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है दो, इसके अंदर जितना भी ये कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है ये उस दिन का डेटा है, ये इसके प्रीवियस दिन का डेटा है और ये इसके प्रीवियस दिन का डेटा है। तो इन दोनों के लो के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो इसने सॉफ्टवेयर ने हमें ये एक रिजल्ट दे दिया बजाज ऑटो करके। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है अभी अराउंड 921 हो रहा है, तो 2692 इसका प्राइस चल रहा है। अभी आज का चार्ट ओपन करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेल लेते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट सेल का। ठीक है, तो इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं, बजाज ऑटो। ये बजाज ऑटो का एनएससी का चार्ट मैं सिलेक्ट करता हूं, तो ये आज का चार्ट है। आप यहां पर नीचे डेट देख सकते हैं 11 जुलाई, तो वहां पर तभी प्राइस चल रहा था 2692 और इसका आज का लो देखते हैं 2661, यहां पर देख सकते हैं आप 2660 के करीब इसने लो लगाया था। तो 2692 से 2660 यानी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। ट्रेड करते वक्त जो 5 मिनट्स का कैंडल बनता है उसका लो ब्रेक होने के बाद ही इनिशिएट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसका लगा सकते हैं हम, डे का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा है, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं, ये फ्यूचर का देखें तो बजाज ऑटो का लॉट साइज आता है 250 का, यानी 4 पॉइंट्स भी अगर आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स में से सिर्फ 4 पॉइंट्स, तो भी आपके 1000 रुपीज यहाँ पर आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो ये एक बजाज ऑटो का रिजल्ट था जो कि यहाँ पर हमने इस कंडीशन थ्रू, ये जो यहाँ पर रिजल्ट दिखाया है उसके थ्रू हम यहाँ पर ये ट्रेड ले सकते थे। और भी एक दो रिजल्ट देखते हैं आगे, फिर से इसे मैं ऑन कर देता हूँ। ये एवरी 65 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश होके हमें यहाँ पर ये रिजल्ट दिखाएगा। हमारा कंडीशन सेल के लिए होना चाहिए 150, 20 और उसके नीचे प्राइस, और प्राइस प्रीवियस 2 डेज के लो को ब्रेक करना जरूरी है। और अगर बाय करना है तो 20 पहला होना चाहिए, उसके बाद 50, उसके बाद 100 और उसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। अभी देखते हैं 65 सेकंड्स के बाद हमें क्या रिजल्ट्स नए आते हैं। ये आज का दिन का एक्शन रिप्ले हम रन कर रहे हैं 11 जुलाई 2019। ये देखिए, अभी मैं इसे पॉज कर देता हूँ। पावर ग्रिड करके और एक स्टॉक हमें दिखा रहा है, तो पावर ग्रिड का देखते हैं। अभी फिलहाल चल रहा है 207.70। तो इसका चार्ट ओपन करके देखते हैं आज अगर बाय करते तो इसने मैक्सिमम हाई कितना लगाया था आज के दिन। चलते पावर ग्रिड के चार्ट में, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ पावर ग्रिड। तो आप देख सकते हैं ये पावर ग्रिड का आज का चार्ट है 5 मिनट का, तो इसने मैक्सिमम हाई लगाया है आज 209.23। तो यहाँ पर प्राइस चल रहा था 207 और हाई, डे का हाई लगाया था 209। अगर फ्यूचर में ट्रेड करे तो पावर ग्रिड का लॉट साइज क्या है, पावर ग्रिड का लॉट साइज है 4000, यानी एक पॉइंट भी अगर बढ़ता है, यानी 0.5 भी अगर बढ़ता है तो हमें 2000 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है।
तो ये एक कंडीशन है, हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लाइव मार्केट में इसे क्विकली अवेलेबल कर सकता है हमारे लिए। तो आगे और देखते हैं एक दो रिजल्ट्स, यही से मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। बजाज ऑटो फिर से दिखा रहा है हमें, बजाज ऑटो का हमने देख लिया ऑलमोस्ट, अगर आज ट्रेड करते तो 30 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था शॉर्ट सेल का। अभी नेक्स्ट 65 सेकेंड्स वेट करते हैं और क्या रिजल्ट दिखाता है ये। काफ़ी आज पूरा दिन का नहीं कर सकता, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इसे चाहिए तो मैन्युअली आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसे चेक कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जैसा आपका रोज का ट्रेडिंग करने का प्लान होता है उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। ये एक जस्ट पैटर्न है, ऐसा पैटर्न आता है तो हमें क्लियर शॉर्ट सेल या फिर क्लियर बाय करने का ट्रेडिंग का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो फिर से यहाँ पर बजाज ऑटो और पावर ग्रिड का ही आ गया, ये दो ही दिखा रहा है। और थोड़ा वेट करते हैं 65 सेकेंड्स, देखते हैं और क्या रिजल्ट्स दिखा सकते हैं, और एक दो रिजल्ट्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूं। वेट कर रहे, ये एक्शन रिप्ले काफी सुपर ऑप्शन है ताकि हम हमारा जो भी टेक्निकल क्वेरीज है हम अगर स्टडी करना चाहते हैं पास डेटा के ऊपर तो यहाँ पर लाइव मार्केट का फील आता है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। अभी फिर से ये 65 सेकेंड्स के बाद रिफ्रेश होकर दिखाएगा, फिर से बजाज ऑटो ही आ रहा है क्योंकि बजाज ऑटो के साथ हमारा जो कंडीशन है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं फिर से। सो अभी फिर से एक बार नए रिजल्ट्स आ गए हैं, मैं इसे पॉज कर देता हूँ क्योंकि बजाज ऑटो का अर्लियर ही हमें सिग्नल मिला था। अभी बाटा इंडिया, ये भी कंडीशन हमारी यहाँ पर मैच हो चुकी है, शॉर्ट सेल के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अभी फिलहाल बाटा इंडिया का 1347 प्राइस चल रहा है, आज के दिन का लो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो और कितने प्रॉफिट का हमें यहाँ पर गेन हो सकता है। तो बजाज ऑटो का स्टॉक देखते हैं, सॉरी बाटा इंडिया। तो 1347 पे हमें सिग्नल मिला था और दिन का लो इसने, ये देखिए इसका दिन का लो है 1327, ये देखिए यहाँ पर 1327, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने 20 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाया है। तो अगर फ्यूचर में अगर ट्रेड करते तो बाटा इंडिया का देखते हैं लॉट साइज कितना है। बाटा इंडिया 550 का लॉट साइज है, यानी अगर एक पॉइंट भी अगर हमें प्रॉफिट मिलता है तो हमें 550 रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो 20 रुपीस नीचे गया था, 20 पॉइंट्स बाटा इंडिया हमें सिग्नल मिलने के बाद। दूसरा सिग्नल देखते हैं, M&M फाइनेंस का सिग्नल मिला है, तो M&M फाइनेंस 383.5 के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ अगर हम शॉर्ट सेल करते हैं तो देखते हैं कितना और प्रॉफिट का गेन यहाँ पर हो सकता था। इसका चार्ट देखते M&M फाइनेंस, तो इसका स्टॉक हमने सिलेक्ट किया, सिग्नल मिला था तभी प्राइस चल रहा था 383 और इसने आज 11 जुलाई को लो लगाया है, 376 का इसने लो लगाया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। अभी इसका लॉट साइज देखते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर का M&M फाइनेंस, M&M फाइनेंस 1250 का एक लॉट है, 1250 का एक लॉट है, यानी हमें एक पॉइंट भी अगर गेन होता है तो हमें 1250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। स्टॉप लॉस जो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में बैठता है वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टेक्निकली देखें तो जो लास्ट स्विंग हाई या स्विंग लो है, वाइस वर्सा बाय कर रहे तो लो स्विंग लो पकड़ना पड़ेगा,
या सेल कर रहे हैं तो स्विंग हाई पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्राइस पैटर्न है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लाइव मार्केट में इसे क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो ये एक पैटर्न है, आप मैन्युअली इसे चेक कर सकते हैं। आप चेक कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस इस पैटर्न के जरिए अगर बनता है तो लाइव मार्केट में पहले छोटे क्वांटिटी के साथ शुरू कीजिए। अगर आपको छोटे क्वांटिटी के साथ कॉन्फिडेंस आता है, कब एग्जिट होना है, कब एंट्री लेना है आपको समझ में आता है, तो इस पैटर्न के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लर्निंग वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।